देवरिया कांड में प्रेमचंद यादव के परिवार वालों को अब बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हत्याकांड के बाद प्रेमचंद के आवास पर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया गया था, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल प्रेमचंद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही पीड़ित परिवार से मामले में 2 हफ्ते में डीएम के सामने अर्जी दायर करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने देवरिया के डीएम को 3 महीने के भीतर अर्जी पर उचित फैसला लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मृतक प्रेमचंद यादव के परिवार की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल देवरिया हत्याकांड के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रेमचंद के घर की पैमाइश की थी, जिसके बाद विभाग द्वारा बुलडोजर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था। मामले को लेकर प्रेमचंद यादव की पत्नी ने भी पहले पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की थी। लगातार प्रेमचंद के परिवार को बुलडोजर कार्रवाई का डर सता रहा था। सोमवार को अखिलेश यादव भी प्रेमचंद के घर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा था, ऐसे कैसे हो जाएगी बुलडोजर कार्रवाई, क्या बुलडोजर चलेगा, ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, एक मिनट, ये मुझे चाहिए ना सवाल। अरे भाई मैं बैठा हूँ, ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेमचंद यादव के मकान को गिराने का आदेश जारी किया था, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते कार्रवाई नहीं हुई थी, और आज आखिरकार मामले में कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी।